रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर चावल की, राइस की, तो हमने चालू वित्त वर्ष के शुरू के 7 महीनों में देखा है कि चावल का जो निर्यात है वो लगभग 5.2 अरब डॉलर बढ़ा है। रूपा जी, हम देखते हैं कि भारत चावल अच्छी खासे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और कंजप्शन भी भारत के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। रूपा जी, खबर निकल के सामने आई है कि जो GI टैग है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है उसको पंख लगते नज़र आ रहे हैं, खासकर कि राइस के एक्सपोर्ट में को, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बासमती चावल है भारत का विदेशों में काफ़ी पसंद किया जाता है, खासकर खाड़ी देशों में। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से GI टैग के मिलने से चावल को निर्यात में काफ़ी अच्छी पहचान मिलती नज़र आ रही है, तो क्या भविष्य में चावल की कीमतों में इजाफा भी देखने को मिलेगा? देखिए, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, अभी जो बूस्टअप जरूर हमने आते हुए देखा है, 11-21 हो या फिर कोई भी बॉइल्ड राइस हो, किसी भी राइस की अगर हम बात करें तो सभी के अंदर अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दी है। वियतनाम से अच्छी खासी डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दी है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे, जो पहले जो हमारा जो चावल है वो पहले जो सऊदी कंट्रीज में जाता था उसके ऊपर जो बैन लगता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि वहां पर क्वालिटी को लेकर इशू उठे थे, उसकी पूरी चावल इंडस्ट्री जो है वो डाउन हो गई थी। अब उसके बाद छुटमुट खरीदारी हम कह सकते हैं कि वापसी से लौटी है, हल्की फुल्की डिमांड निकलते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते चावल की कीमतों के अंदर तेजी बनी है। अभी फिलहाल प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छी खासी बाइंग जो है ट्रेडर्स करते हुए दिखाई दिए हैं, एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो रहे हैं, वियतनाम से भी डिमांड निकली है, तो इसलिए आगे चलकर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, चावल के अंदर अब यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी,